हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? और यार देख सकते हैं आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा गाड़ियां हैं, लेकिन हमारी गाड़ी बस ये एक ही है, टोयोटा रश, जिसको आज हम ड्राइव करेंगे और इसी गाड़ी को रिव्यू करना है आज हमने। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ जिन लोगों ने नंबर प्लेट का कहा है। तो एक भाई ने कहा था यार लैंड रोवर के ऊपर लिखना है खान जी इस्लामाबाद का नंबर प्लेट, मेरे पास रेंज रोवर थी तो मैंने उसी के ऊपर लिख दिया, ये देख सकते हैं। उसके बाद एक भाई ने कहा था यार ब्लैक कलर के होंडा सिविक और ऊपर लिखना है अमाद, ये देख सकते हैं ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद एक भाई ने कहा था कि एक टोयोटा क्रॉलर रखनी है 2015 मॉडल और नंबर रखना है 113, ये देख सकते हैं ये भी मैंने लगा दिया। और एक भाई ने कहा था कि यार टोयोटा फोर्टीनर 2012 मॉडल, उसके ऊपर लिखना है अरहम, तो वो भी मैंने लिख दिया, देख सकते हैं। तो ये चार लोगों ने कहा था मुझे नंबर प्लेट का। और यार अगर आप भी कहना चाहते हैं तो कमेंट में कह देना, मैं लगा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगर फिर भी मैं नहीं लगाता, क्योंकि यार काफ़ी बार क्या होता है कि यार जब आप लोग नंबर प्लेट का कहते हैं या कोई भी कमेंट करते हैं तो उसकी मुझे नोटिफिकेशन आती है, लेकिन वो कमेंट शो नहीं होता वीडियो में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर देना, तो वहाँ तब तो मैं ज़रूरी लगा दूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि यार यहाँ पर काफ़ी बार जैसे कि मैंने बताया कि कमेंट करते हो लेकिन आप लोग वो शो नहीं होता मुझे, इसलिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलो इस गाड़ी को देखते हैं। सबसे पहले मैं डोर्स वगैरह आप लोग को इसके खोल के दिखा देता हूँ, तो उतर के दिखाता हूँ सही तरह। ये देख सकते हो ये इंजन है, और उसके बाद ये तो डोर्स, और ये रहा ट्रंक, देख सकते हो काफी जगह। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस गाड़ी का इंटीरियर। ये देख सकते हो यार स्पीडोमीटर वर्क करता है, सब कुछ ठीक है। ये मॉडल भी काफी अच्छा है यार, काफी अच्छा मॉडल है ये भी, देख सकते हो आप लोग। सनरूफ भी लगा हुआ है, ये मॉडल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, जैसे ऑडी A8 का था वैसे ही है, ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और लाइट्स वगैरह भी इसकी सारी ठीक है, इंडिकेटर्स भी वर्क करते हैं देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये इंडिकेटर्स भी वर्क करते हैं इसके। और इंटीरियर में भी ऑप्शंस आ रहे हैं इंडिकेटर्स के, वो देख सकते हैं। और स्पीडोमीटर लाइट्स भी बिल्कुल वर्क करती हैं, सब कुछ ठीक है। तो इस गाड़ी पर आज हम करेंगे ऑफ रोडिंग। और यार मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं जब किसी गाड़ी का रिव्यू करता हूँ तो उसके अंदर एक मिशन किया करूँ, साइड मिशन किया करूँ, या फिर पैसिव ड्राइव किया करूँ, लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी जवाब नहीं दिया। यार इस वीडियो के नीचे बता देना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से उसी हिसाब से चलें, या तो इस गाड़ी को हम वैसे ही ड्राइव किया करेंगे, या फिर कौन सी गाड़ी भी होगी उसको हम वैसे ही ड्राइव किया करेंगे, या फिर उसका तब उस वीडियो में एक साइड मिशन कर लिया करेंगे। तो ये यार आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना। और उसके अलावा एक और प्रोटोकॉल की वीडियो जो कि मैंने कहा था कल की वीडियो में कि ऐसे करेंगे हम, दो गाड़ियाँ आगे होंगी, दो गाड़ियाँ पीछे, और दरमियान में हमारी गाड़ी होगी, तो उस प्रोटोकॉल की वीडियो के ऊपर भी काम चल रहा है इंशाल्लाह, वो भी एक तो दिन में आ जाएगी। स्पीडोमीटर देख सकते हैं यार बिल्कुल सही तरह वर्क करता है। और गाड़ी की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा, बल्कि यार एक साइड मिशन ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग ये गाड़ी मेरा नहीं ख्याल कि ऑफ रोडिंग के लिए सही है। और इसलिए हम अब एक साइड मिशन करेंगे, बाकी स्पीडोमीटर देख सकते हो सही वर्क कर रहा है। और नाइट मोड में तो ये गाड़ी काफ़ी और ज़्यादा अच्छी लगती है इंटीरियर से, क्योंकि इसके जो स्पीडोमीटर लाइट्स हैं वो भी सारी वर्क करती हैं। तो नाइट मोड करते हैं और फिर दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं इंटीरियर की जो लाइट्स हैं ना यार, स्पीडोमीटर लाइट्स, लाइट्स चेक करो एक बार। ये चीज़ यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये सारे जो लाइट है इसकी
इंटीरियर में स्पीडोमीटर की और ये साइड पे बटन ऐप पे ये लाइट्स जो हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ऊपर से गाड़ी के इंडिकेटर्स भी सारे वर्क करते हैं तो गाड़ी और ज़्यादा सही चलती लगती है, ये देख सकते हैं। तो यार आज भी हम पहले की तरह एक साइड मिशन ही करेंगे। बाकी यार ये मोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और अगर आप लोग भी करना चाहो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसका लिंक जो है वो नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा, अगर आप लोग भी इस मोड को डाउनलोड करना चाहते हो तो बता देना। तो यहाँ से अब काफ़ी करीब है हमारा मिशन जो कि हम करने जा रहे हैं। अब डे कर लेते हैं क्योंकि मिशन जो है वो डे में मेरे ख्याल से ज़्यादा सही लगेगा, डे टाइम में जो है ना वो ज़्यादा बेटर लगेगा। ओके तो ये पर है हमारा मिशन, गाड़ी यहाँ हम साइड पर लगा देते हैं और देखते हैं क्या मिशन है हमारा। Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. And he needs my help? Part of you would rather leave him there. ओके तो उसको हेल्प चाहिए हमारी। What, boy? He just jumped out of a fucking helicopter. His parachute failed to open. And now you kind of wish he's इसका शायद मालिक ही है जिसको जो कि मुश्किल में है, जिसकी वजह से इसने इतना किया, क्योंकि आप लोगों को पता है लोग काफी वफादार होते हैं। I can't believe I'm getting smart talk by a fucking dog. Say what? Wait, you talking about my kind of bitches or yours? This shit is getting weird now, man. ओके तो देखते हैं क्या कि क्या करना है। अभी तक तो सिर्फ यही भागा जा रहा है बस। ओके तो वो सामने एक देख सकते हैं आदमी लटका हुआ है, ये मैं आपको स्टोरी भी यहाँ से दिखाता हूँ सारी। Man, that's a cool ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. Dude, I have no idea what you're talking about right now. What the fuck? Hello? When you got a moment. Here you go. My bad, dog. Oh. Oh. Oh, man, that was wild. Woo! See, I'm not an adrenaline junkie. I'm a control junkie. Yeah, that parachuting is intense, man. And hey, if along the way I figure out what it means to be alive, well then, let's just make this a little spiritual and say I'm on a thought journey. Shit, nothing helps me think clearly like shitting myself while I'm heading towards a certain death, man. Then you're up for it. Not really, dog. Shit, I respect gravity. Oh, I knew you were a pussy. Come on. Okay, तो अब ये इस बाइक का नाम डोम है, नीचे देख सकते हो आगे आप, नीचे लिखा हुआ है फॉलो डोम। Here comes my pilot. ओके तो काफी अमीर है, हेलीकॉप्टर है उसका, देखते हैं आगे क्या करना है हमें। Fuck, I gotta learn how to say no. You take the left side, man. बैठना है उस साइड से, ठीक हो गया। ओके Here's a headset to keep in touch with the Dominator and a parachute to stop you from dying. All aboard. Okay, Jeff, round two. Set her up. Roger that, buddy. You sure you're okay? That last one was in fucking sight. Dude, how crazy was that? I was dropping like a dot-com stock in late 2000. Cat out of the window. Tell me you got it, please. Tell me you got it. We gotta upload that shit right now. Okay. Sorry, man. It's all out of focus. So, ऊपर लिखा हुआ है प्रेस माउस का जो है लेफ्ट बटन टू स्किप द जर्नी, मेरे ख्याल से स्किप ही कर देते हैं क्योंकि पता नहीं आगे कहाँ कितना दूर जाएगा और कितनी देर लगेगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, तो चलो स्किप ही कर देते हैं हम।
ये देख सकते हैं आगे ये भी अब स्टोरी लाइन ही है सर। यहाँ से हम जंप कर देते हैं, जंप कर दिया हमने। और एक सेकंड पहले मैप पर देख लेते हैं हमने, ओके इतना दूर जाकर उतर रहे हैं, ठीक हो गया। और स्काई डाइव भी है एक तरह की, देख सकते हैं। ओके तो हमें मेरे ख्याल से इसी पहाड़ की जो चोटी पर ही उतरना। और काफी ही मतलब अच्छा लग रहा है। तो उधर सामने ही उतरना है, ये देख सकते हैं सामने ही जगह है, वहीं पर हमें उतरना है। हम थोड़ा पीछे उतर आए, तो मिशन फेल हो गया क्योंकि हम गलत जगह पर उतर आए हैं। चलो दोबारा करते हैं। ओके तो एक बार कोशिश करेंगे कि वहीं पर उतरे। स्पीड काफी ज्यादा है वैसे। और मुझे लग रहा है कि इस बार भी हम जरा गलत जगह पर यूज़ कर रहे हैं। कोई तरीका देखना पड़ेगा जिससे हम वहीं पर जाके उतरे। फिर से दूसरी जगह पर उतरा है, ओह लेकिन इस पर शुक्र है फेल नहीं हुआ मिशन। और बाइक ओके ये रही, हम रेड वाली चूज करेंगे। दूसरे वाला बाइक इधर, क्या करना है इसको। दूसरे वाला भाई ओके वो भी आ गया। यहाँ पर भी मेरे ख्याल से क्रेज ही करनी है, तो रेड बाइक लें या फिर येलो, वो आगे रेड ही ले लेते हैं। ओह तो रेस है, ठीक हो गया। ओ यार इस मतलब पहाड़ों के ऊपर रेस करना तो काफी मुश्किल है। और वो भाई भी काफी स्पीड में चला रहा है साइकिल। ओह ओह शुक्र है नीचे नहीं गिरे। स्पीड देख सकते हैं, नीचे स्पीडोमीटर पर भी आप स्पीड देख सकते हैं 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम आ रहे हैं, लेकिन नीचे चले गए। शिट रिट्राई करना पड़ेगा दोबारा से। ये है आज के मिशन में तो बेस्ट की तैयारी है। ओके इस बार आगे नहीं निकलने देना उसको। और हो दोबारा गिरते गिरते बचो, लेकिन यार वो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही एक्सपर्ट है इन चीज़ों में, क्योंकि देखे आप लोगों ने कि वो फौरन से ही आगे निकल गया।
और ये मैं शिट यार दोबारा से वही चीज हो गई है, जिस चीज का डर है बार बार वही हो रहा है। फिर से रीट्राई करते हैं। ओके तो अब दोबारा स्टार्ट करते हैं, इस बार कोशिश करेंगे कि ओह सॉरी, आप कोशिश करेंगे कि नीचे ना गिरे, बेशक सेकंड ही क्यों ना आ जाए पर नीचे ना गिरे, वरना फिर से हमें दोबारा करना पड़ेगा शुरू से ही, मतलब कि ये जो रेस है ये हमें दोबारा से करनी पड़ेगी, तो इसलिए अब कोशिश करेंगे कि इंसानों की तरह चलाएं। ओह अभी फिर दोबारा नीचे गिरने लगे थे। ओके तो अब स्पीड थोड़ी आहिस्ता हो गई है, देख सकते हो, और मुझे लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा क्योंकि वो एक्सपर्ट है मेरे ख्याल से इन चीज़ों में और वो पहले भी करता रहा है, लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम है। और लो जी नो यार शिट, यार फिर से वही चीज़ हो गई है। ओके तो इस बार थोड़ा वहीं से ही आया तकरीबन, शुक्र है शुरू से नहीं आई, और इस बार हम काफ़ी करीब भी हैं डोंग के मुकाबले में ही थे, लेकिन ओके फिर से स्पीड पूरी देते हैं। ओह अब थोड़ा और ज्यादा स्पीड में और यहाँ से गुजरना ठीक है। ओह निकल गया मैं, शुक्र है किसी तरह उस भाई से आगे निकले हैं और वो फिर आगे शेर भी जा रहा था साथ ही, और मुझे क्यों लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। ओके फाइनली मैं आगे निकल आया हूँ और ये मैं रेस भी जीत गया गाइस, ओह शुक्र है। वैसे यार ये काफी डिफिकल्ट मिशन था क्योंकि देखा तीन चार बार हमें बार बार तीन चार बार हार गए थे हम और रिट्राई करना पड़ा। तो यार इस बार आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है कि मैं ये मिशंस किया करूं या नहीं। तो चलो यार बस फिर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।